2022 में हर महीने मोदी सरकार के चलते हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में आती चली गई, लगातार आती चली गई, निरंतर आती चली गई। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने चीनी निर्माण के बारे में कुछ सवाल पूछे, बड़े सरल सवाल पूछे। संसद में बार बार चर्चा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। अभी एक महीने पहले आप लोग भी सब रिपोर्ट कर रहे थे, आप देख रहे थे क्या हो रहा था। चीन पर कोई चर्चा की अनुमति नहीं थी, कोई चर्चा करने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है ये सारे तथ्य सामने आएंगे, ये पूरा कैलेंडर सामने आएगा। गलवान घाटी में हमारे 20 बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के बाद, हमारा पूर्वी लद्दाख में हमने अपना क्षेत्र खोने के बावजूद भी, क्लीन चिट किसने दी थी इस कैलेंडर में जिक्र करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो सबको हम बार बार दोहराएंगे और दोहराते रहेंगे जब तक इस क्लीन चिट को वापस नहीं लिया जाता। और ये रेखांकित करना आवश्यक है कि 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से 18 बार मिले और 17 सैन्य स्तर की वार्ता 17 राउंड्स हो चुके हैं। तो 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं 14 से लेकर अब तक, 17 राउंड्स सैन्य स्तर की वार्ता के हो चुके हैं। गलवान के बाद में बात जब ये हुआ एपिसोड, उसके बाद चीनी आयात में 45% की वृद्धि हुई है, ये तथ्य भी हमारे को शर्मिंदा करता है।